बिहार में ही आजकल कई कंपनियां निवेश करना चाहती हैं, जिसके लिए सरकार भी उनको पूरा पूरा सहयोग देती हुई नजर आ रही है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बिहार के लोगों के लिए खुशी देने वाली है। दरअसल बड़ी लेदर कंपनी अब बिहार में निवेश करने को आतुर हो गई है और यहाँ पर एक लेदर गारमेंट फैक्ट्री खोलना चाह रही है। इस खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जान लीजिए कि बिहार में कौन कौन सा नया काम हो रहा है और रोजगार के लिए लोगों को आगे क्या करना होगा। दरअसल मधुबनी के पंडोल कैंपस में बड़ा निवेश होने जा रहा है। सालों बाद यहाँ पर एक बार फिर से लेदर फैक्ट्री स्थापित होने जा रहा है। राज्य में लेदर फैब्रिक निर्माण करने वाली कंपनी सावी लेदर्स दो दिन पहले ही बिहार आई है। कंपनी के अधिकारियों ने यहाँ पर अलग अलग प्लांटों का दौरा किया है। सावी लेदर्स ने जिले के बियाडा औद्योगिक पंडाल स्थित एरिया में प्लांट स्थापित करने के लिए 15 एकड़ जमीन की मांग की है। ये प्लांट चमड़े के कपड़े के साथ ही दूसरे प्रोडक्ट भी बनाता है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सावी ब्रदर्स का नोएडा में 100% निर्यातोन्मुख फर्म है। बताया गया है कि ये फर्म बिहार के 50% से अधिक कुशल कामगारों के साथ साथ यहाँ इन्वेस्ट करेगी। पंडोल औद्योगिक एरिया में 15 एकड़ जमीन के लिए आवेदन बियाडा को दिया गया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रक ने ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी दी है। उधर बिहार की कला आज देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी अलग अलग पहचान बना रही है। मधुबनी पेंटिंग की डिमांड आज दूसरे देशों में बढ़ गई है। ये तमाम बातें उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कोलकाता में बिहार क्राफ्ट फेयर में समारोह को आयोजित किया गया था, जिसमें कही है। उद्योग मंत्री ने कोलकाता में चल रहे बिहार क्राफ्ट मेला का दौरा किया। यहाँ उन्होंने अलग अलग स्टॉल का जायजा लिया और प्रदेश के हुनरमंद बुनकरों, शिल्पियों और उद्यमियों का हौसला बढ़ाते हुए उनका मनोबल भी ऊंचा किया। मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बिहार को बेहतर मार्केट उपलब्ध होगा। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि नेपाल और भोपाल में सफलतापूर्वक मेला आयोजन होने के बाद अब हमारी कोशिश है कि हम देश के अलग अलग बड़े शहरों में बिहार क्राफ्ट फेयर का कार्यक्रम करें, जिससे कि बिहार के हुनरमंद तथा प्रतिभावान कलाकारों को अपने राज्य के साथ ही दूसरे राज्यों में खास पहचान मिल सके। इस मौके पर उद्योग भवन के आला अधिकारी भी वहां मौजूद रहे, जो सब उनकी बातों को सुन रहे थे। लेकिन इस दौरान ही बिहार में एक बड़े निवेश की संकेत मिले और ये निवेश करने वाला और कोई नहीं बल्कि बड़ी लेदर कंपनी है, जो कि अब बिहार में फैक्ट्री लगाने जा रही है। मधुबनी के पंडोल कैंपस में बड़ा निवेश होने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, सालों बाद यहां एक बार फिर से लेदर फैक्ट्री स्थापित होने जा रहा है। लेदर फैब्रिक निर्माण करने वाली कंपनी सावी लेदर्स, जिसका हमने आपको इस वीडियो में नाम भी बताया है, वो पहले ही बिहार का दौरा कर चुकी है और उसके अधिकारियों ने कई जगहों को, कई प्लांटों को भी देखा है, परखा है और उसके बाद यहां पर फैक्ट्री लगाने की बात कही जा रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।